सो ये फाइनली जो है भाई जिस चीज का वेट कर रहे थे वो फाइनली अपने हाथ में आ चुकी है। तो ये जो की है भाई ये देख रहे हैं आप KTM RC 390 की, और आज जो भाई इसका ब्लैक एंड ऑरेंज कलर अपने पास अवेलेबल है। आज इसका रिव्यू करेंगे, जितने भी फीचर्स हैं उन सभी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। एंड उससे पहले आपको बता दूं भाई बाइक जो है फाइनली गुड़गांव में आ चुकी है MG रोड वाले जो KTM शोरूम है उस पे, लेकिन ये शोरूम जो लोकेशन है सेक्टर 14 में, तो लोकेशन जो है नीचे आपको दे दूंगा और नंबर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है तो भाई आप आके विजिट कर लेना। तो चलिए इसका एक वॉकराउंड रिव्यू स्टार्ट करते हैं, बताता हूँ सभी चीज़ों के बारे में, लास्ट में जो है जो साउंड भी आपको सुनाने वाला हूँ और प्राइसिंग भी आपको बताऊंगा और कुछ यूनिक फीचर्स है जो कि भाई अभी इसमें ऐड किए हैं तो उनके बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले करते हैं इसकी की ऑन, एंड यहाँ पे जो है देख सकते हो TFT पूरी डिस्प्ले अपनी। तो अभी करते हैं स्टार्ट फ्रंट से। फ्रंट में जो है इस दोनों तरफ आपको DRL मिल जाएगी सेम RC 200 की तरह, यहाँ पर भी और यहाँ पर, तो सही लगती है। बीच में जो है LED हेडलाइट आपको मिलती है जिसका लाइक हाई बीम दिखाता हूँ आपको। तो ये भाई इसका हाई बीम देख रहे हो, मतलब बढ़िया है पूरी, ये है पूरी। रिफ्लेक्टर लाइट है, प्रोजेक्टर वगैरह नहीं है इसके अंदर, रिफ्लेक्टर लाइट है। और प्रोजेक्टर भी इसमें पहले आता था बट वो हैलोजन में था, लेकिन अब जो है रिफ्लेक्टर इन्होंने दे दिया। बाकी अंदर जो है पूरा KTM का डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाएगा, और काफ़ी बड़ी विंडशील्ड आपको देखने को मिलती है। साइड मिरर्स भी काफ़ी सही साइज के दिए हैं, पीछे का व्यू अगर आपको सही मिलता रहेगा। बाकी साइड में हूँ तो यहाँ पे भाई आपको 110 सेक्शन का फ्रंट में टायर मिल जाएगा, काफ़ी छोटा जो है यहाँ पे मडगार्ड आपको मिल जाएगा। WP के जो है सस्पेंशन आपको मिलेंगे, USD सस्पेंशन आपको मिल जाते हैं, रिफ्लेक्टर दोनों साइड है इस तरफ भी उस तरफ भी। और यहाँ पे काफ़ी बड़े जो है आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है, और जो अलॉय व्हील्स हैं वो ब्लैक कलर में है, यहाँ पे ऑरेंज कलर की जो है टेपिंग की गई है। ये डिज़ाइन है यहाँ पे बनाया गया जो कि काफ़ी सही लग रहा है। बाइब्री कंपनी जो है गाइस आपको यहाँ पे ब्रेक कैलिपर्स मिल जाते हैं, और ड्यूअल चैनल ABS इसके अंदर फ्रंट में भी और रियर में भी दोनों में आपको ABS मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपको जो है रिफ्लेक्टर मिलता है। टायर में आपको दिखा रहा हूँ गाइस, यहाँ पे जो है मेटल कंपनी जो आपको टायर देखने मिलेंगे जो कि परफॉर्मेंस टायर्स होते हैं, और ज़्यादातर जो है हाई परफॉर्मेंस बाइक्स या गाड़ी वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। और साइड में आऊँ अभी तो यहाँ पे जो है आपको पूरा मैट में जो है देखने को मिलेगा, ऑरेंज कलर एंड ब्लैक कलर दोनों ही। लेकिन इस वाले पार्ट पे आऊँगा तो भाई पूरा मेटेलिक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आपको नज़र आएगा। लाइक यहाँ पे पूरा मैट कम्बिनेशन है, यहाँ पे मेटेलिक, तो सही लग रहा है। यहाँ पे RC 390 जो है पूरी स्टिकनिंग, KTM जो है पूरा ग्राफिक्स में मिलता है जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और टैंक के ऊपर जो है भाई KTM का लोगो मिल जाता है आपको, 3D लोगो। नीचे साइड में देखो ब्लैक कलर पूरा जो है KTM में, एंड इंजन जो है आपको वही 390cc का, लाइक 373cc का होता है जो कि 390 आप बोलते हो। एंड इसमें जो लगभग 43.5 PS की पावर मिलती है, 37 Nm का टॉर्क मिलता है, 6 स्पीड का गियरबॉक्स है, और इसमें ढेर सारे नए फीचर्स आए हैं उनके बारे में बताऊं आपको। एंड यहाँ पे जो है रेसिंग KTM आपको लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। नीचे जो भाई अपना पूरा ये इंजन गार्ड वगैरह देखने को मिलेगा, और बाकी जो है फेयरिंग जा रही है इसकी नीचे तक, तो ये भी काफ़ी सही लग रही है। आगे की तरफ जो आपको रेडिएटर वगैरह देखने को मिल जाता है यहाँ पे हूँ, तो भाई यहाँ पे राइडर के लिए जो है फुटरेस्ट में मिल जाएगा, रियर ब्रेकिंग आपको मिल जाती है, काफ़ी बड़ा जो आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाएगा। एंड यहाँ पे जो है आपको अंडरबेली एग्जॉस्ट नहीं मिलता, यहाँ पे आपको साइड में जो है एग्जॉस्ट देखने मिलता है जो कि भाई काफ़ी डिफरेंट लग रहा है, मफलर वगैरह काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे KTM लिखा हुआ देखने मिल जाता है, पीछे जो है जाली टाइप दी गई, तो ये भी काफ़ी सही लगती है। इसमें साउंड वगैरह आपको सुनाऊँ भाई, साउंड काफ़ी ज़बरदस्त है इसकी। तो अभी जो पीछे की साइड में चलो तो यहाँ पे जो है आपको 150 सेक्शन का सेम उसी कंपनी आपको टायर देखने को मिलता है, मैटचिलर कंपनी का। एंड यहाँ पे भी जो आपको ABS देखने मिलेगा, सो हाँ ड्यूअल चैनल ABS है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ब्रेकिंग वगैरह मस्त मिलेगी आपको, काफ़ी बड़ा जो है डिस्क ब्रेक मिल जाता है, बाइब्री कंपनी जो है ब्रेक कैलिपर्स यहाँ पे आपको मिलते हैं, और ब्लैक कलर में अगेन अलॉय व्हील आपको देखने मिलेंगे। यहाँ पे भी जो अगेन आपको ऑरेंज कलर की जो है स्टिकिंग देखने मिल जाती है। यहाँ पे आपको जो है टायर कवर देखने मिल जाएगा, पीछे जो आपको KTM लिखा हुआ देखने मिल जाता है, LED इंडिकेटर आपको मिलते हैं आगे भी पीछे भी, और यहाँ पे रेडी टू रेस की स्टिकरिंग, पीछे जो है टेल लाइट आपको मिल जाती है LED में। यहाँ पे जो है LED में ही आपको इसकी नंबर प्लेट लाइट देखने को मिलेगी, यहाँ पे नंबर प्लेट लग जाएगी, यहाँ पे रिफ्लेक्टर अपना, अगेन जो है LED इंडिकेटर। यहाँ पे आपको स्प्लिट ग्रेवियल स्प्लिट सीट आपको मिल जाती है, सीट पे जो है अच्छी आपकी बार कंफर्टेबल लग रही है मेरे को, बिकॉज लास्ट टाइम जो अपनी लास्ट जनरेशन थी उसमें पीछे की सीट तो ना के बराबर थी, लेकिन इसमें जो है काफ़ी सही दे रखी है वो चीज़। यहाँ से आप अपनी सीट वगैरह जो ओपन कर सकते हो, ओपन करके दिखा देता हूँ आपको क्या कुछ यहाँ पे स्पेस वगैरह आपको मिलता है। तो ये सीट यहाँ पे खुल जाती है, और यहाँ पे आपके जो थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हो, तो ये थोड़ा स्पेस मिलता है भाई। यहाँ पे आपकी किट वगैरह देखने को मिल जाएगी, पीछे वाली जो सीट यहाँ पे ओपन नहीं होती है, इसमें जो आगे वाली सीट आपको देखने को। एक और चीज़ है भाई, यहाँ पे 390cc की बाइक है, और यहाँ पे भाई आपको साड़ी गार्ड वगैरह देखने को मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जो कि भाई गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर रखी है, तो मिलेगी आपको। यहाँ पे अपना पूरा टायर प्रेशर वगैरह जो है यहाँ पे लगा हुआ स्टिकर, और यहाँ पे क्विक शिफ्टर वगैरह भी आपको देखने मिलता है इस बाइक में, और 6 स्पीड गियरबॉक्स आपको मिल जाता है, लिक्विड कूलिंग सिस्टम यहाँ पे आपको मिलता है इसके इंजन में, तो यहाँ जो स्मूथनेस भाई ओवरऑल काफ़ी अच्छी निकल के आती है। जब गियर सिस्टम में लो, इंजन सिस्टम में लो, तो मस्त मजा आ जाएगा आपको राइड करके।
उसी के साथ है भाई डिटेक्शन कंट्रोल भी इस बाइक में मिलता है। सारे फीचर्स अभी आपको इसके एमआईडी में दिखाता हूँ। साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर भी आपको इसमें मिलेगा। 13.5 लीटर का भाई यहाँ पे फ्यूल टैंक आपको मिल जाता है, यहाँ पे फ्यूल कैप आपको मिल जाएगी। इस ये भी जो आपको ड्यूअल कॉम्बिनेशन में मिलता है, क्योंकि यहाँ पे मैट आपको यहाँ पे मेटेलिक, बट कलर जो है सेम है, ऑरेंज ही है, तो यहाँ पे आपको सेम मिलेगा। लेकिन जो RC 200 थी ना, इसमें भाई आपको ब्लैक एंड ऑरेंज मिलता था, तो ये भी काफ़ी सही था। लेकिन यहाँ पे जो सिंगल जो है कलर आपको मिलेगा, बट मैट वर्सेस मेटेलिक मिलता है। अभी आ जाते हैं भाई इसके मेन पार्ट पे। आपको मिलता है इसमें TFT डिस्प्ले, और इसमें जो ढेर सारे फीचर्स हैं, एक बार ऑफ करके फिर से ऑन करते हैं इसको, तभी चेक करो आप रेडी टू रेस। एंड भाई यहाँ पे देखो, मतलब पूरा मस्त थीम दे रखा है। जैसे मैं इग्निशन ऑन करूँगा तो यहाँ पे जो साइड स्टैंड की जो वार्निंग यहाँ पे आ चुकी है, एंड यहाँ पे आपको जो है इंजन मार्बल फंक्शन जो है लाइट होती है वो यहाँ पे आपको देने मिल जाएगी। ABS की लाइट यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल, ट्रिप ए, यहाँ पे टाइमिंग वगैरह, डेट वगैरह, बैटरी वगैरह, तो यहाँ पे अगेन टाइम आपको देखने मिल जाएगा। और यहाँ पे पूरा RPM मीटर है, यहाँ पे स्पीडोमीटर आपको दिखाएगा, गियर इंडिकेटर यहाँ पे दिखाई देगा, ABS यहाँ पे जो है ट्रैक्शन कंट्रोल, और यहाँ पे कुछ वार्निंग वगैरह, यहाँ पे फ्यूल वगैरह वार्निंग, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी। लेकिन भाई जो ये बटन है ना यहाँ पे, इनका भी कुछ काम होगा। तो जैसे मैं सेट का बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे आ गई भाई अपनी सेटिंग्स, और अगेन यहाँ से मैं अप डाउन कर सकता हूँ, यहाँ से अप डाउन कर सकता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन में। तो दिखाता हूँ आपको एक एक फीचर। सबसे पहले ऊपर वाले पे चलते हैं, तो यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे KTM माई राइड का जो ऑप्शन आता है, तो जैसे मैं सेट पे क्लिक करूँगा ना, तो ये इस ऑप्शन के अंदर चला जाएगा। और यहाँ पे आपको ऑडियो और पेयरिंग का मिलता है, तो यहाँ पे पेयर कर सकते हो ब्लूटूथ वगैरह से। उसके बाद जो है इस यहाँ पे आप लाइक अलर्ट वगैरह जो है आपके स्क्रीन में नज़र आएंगे, जैसे कॉल वगैरह, SMS वगैरह, तो यहाँ पे अच्छी चीज़ है। बैक करने के लिए जो है ये बटन है, जैसे बैक किया, अगेन जो मैं यहाँ पे आ गया हूँ, तो यहाँ पे टिप्स वगैरह आपको देखने मिल जाएगी, टिप 1, ट्रिप व्यू वगैरह, जनरल इन्फो वगैरह। उसके बाद जो है नीचे मोटरसाइकिल है, तो भाई इसके अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल सबसे ऊपर, फिर ABS एंड नीचे क्विक शिफ्टर। क्विक शिफ्टर को जो आप चाहो तो ऑफ भी कर सकते हो। ABS जो है यहाँ पे आपको दो मोड मिलता है, सुपर मोड और रोड। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल इसको भी चाहो तो ऑफ कर सकते हो। ABS में आई थिंक रोड पे तो जैसे नॉर्मल आप चल रहे हो तो आप कर सकते हो। सुपर मोटो ये भाई आप ट्रैक वगैरह राइड कर रहे हो तो वहाँ पे आप ये मोड लगा सकते हो। उसके बाद नीचे सेटिंग वगैरह भाई, इसमें ढेर सारी सेटिंग, आप अपने हिसाब से जो भी आपको करना है वो कर सकते हो। डिस्प्ले थीम भी आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे ऑटोमेटिक पे डाल रखा अभी, नाइट डे वो कर सकते हो आप। तो ढेर सारी सेटिंग्स इसके अंदर, कोई फीचर्स की कमी नहीं लगी भाई अब की बार। तो ये है भाई सारी इसकी सेटिंग्स जो मैंने आपको अभी दिखाई, और बाकी देखने में काफ़ी सही लग रही है, डिस्प्ले काफ़ी बड़ी है। पर कितना RC 200 और इसमें भाई, इसमें तो फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, ऊपर से जो है कलरफुल TFT डिस्प्ले मिल जाती है, उसमें डिजिटल मिलती है, और बाकी जो है सारे बटन रहे अपने ये भी। मैं इसके जो बटन्स की क्वालिटी है ना भाई, वो RC 200 वगैरह थोड़ी सी प्रीमियम आपको लगेगी। यहाँ पे हाई बीम जो है अलग से नहीं मिलेगा, हाई बीम लो बीम यहीं से आप कंट्रोल कर, जैसे ही मैंने ऐसे कर दी तो भाई ये हाई बीम यहाँ पे ऑन होगी, और यहाँ पे बाइक स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, लाइट आप जो है बिना स्टार्ट किए ऑन कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी कर रखी है। तो ये भाई इसके LED हेडलाइट, और इसको यदि मैंने बंद करना है तो यहाँ पे सिंपली आगे कर दूंगा लो बीम, अभी जो है लो बीम पे है, और जैसे मैं इसको और आगे करूँगा तो भाई ये जो अपनी हाई बीम यहाँ पे हो गई है, सबसे लास्ट में जाके है ये अपनी हाई बीम, और यहाँ पे सबसे आगे है पासिंग लाइट। तो ये है इसका सीन। बाकी जो है नीचे की साइड में आपको 4 बटन मिल जाते हैं, अप डाउन, ये सेट का बटन है, यहाँ पे जो है बैक का बटन है, ये इंडिकेटर का बटन है अपना, और यहाँ पे जो भाई एडजस्टेबल आपको लीवर्स मिल जाते हैं, ये क्लच का लीवर है जो कि एडजस्ट कर सकते हो आप अपने हिसाब से, जो आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप कर सकते हो। उसी के साथ में आपको जो है यहाँ पे ब्रेकिंग का लीवर वो भी जो है एडजस्टेबल मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। WP के जो सस्पेंशन मिलते हैं भाई, जो कि काफ़ी जानी मानी कंपनी, तो भाई ये भी काफ़ी सही चीज़ है। उसके बाद में यहाँ पे आपको इग्निशन बटन मिल जाएगा, यहाँ पे सेल्फ बटन मिल जाएगा। तो चलिए अभी ज़्यादा लेट नहीं करेंगे भाई, अभी जो आपको सुना देते हैं इसके, सबसे पहले तो साउंड सुनाते हैं इसके, हॉर्न सिंगल है डबल, तो यहाँ पे भाई सिंगल हॉर्न है बट काफ़ी ज़्यादा। अभी जो है साउंड आपको सुना देता हूँ भाई, सबसे पहले न्यूट्रल कर लेते हैं इसको, तो बाइक जो अभी न्यूट्रल हो गया, अभी साउंड में आपको सुनाता हूँ भाई कैसी साउंड है कैसी नहीं है भाई, मतलब पूरे शोरूम में इसी की आवाज आ रही है, क्यों भाई पूरा लाउड हो गया है। जबरदस्त साउंड, मतलब पूरे शोरूम में गूंज ही भाई पूरी तरह से आवाज। तो भाई 390cc इंजन है भाई, साउंड भी अच्छी आएगी, परफॉर्मेंस भी अच्छी आएगी, टॉप स्पीड वगैरह भाई इसकी मस्त मिल जाएगी आपको, 160-170 तक आराम से जाएगी। माइलेज वगैरह भी जो लगभग 25-30 आपको दे ही देगी, तो चलाने पर डिपेंड करते हैं आप कैसे चला रहे हो। बाकी जो फ्रंट के इंडिकेटर है ना, वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं दोनों ही बाइक्स में, ये वाले मस्त लगते हैं यहाँ पे, तो ये चीज़ भी काफ़ी सही लगती है मेरे को यहाँ पे। और जो बटन क्वालिटी है वो सीरियसली काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। प्राइस के बारे में बात करो भाई, 3 लाख
14,000 करीब इसकी एक शोरूम प्राइस। उसके बाद में बात करता हूँ ऑन रोड प्राइस, तो भाई ऑन रोड लगभग 370 के करीब जो है आएगी। बाकी जो है शोरूम पर विजिट करो, आपको पता चलेगा एग्जैक्ट क्या कुछ प्राइस है, वो तो आप यहाँ चेक कर ही सकते हो। तो